व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है ईशान। वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, वो हमारी वो बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस वाली वीडियो है, मतलब बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, एक मिनट का भी मिस मत करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज के हालात तो आपको मालूम ही है, कोरोना वायरस की वजह से जो है ना, क्या हालात हो रहे हैं। नॉट इवन इंडिया, पूरे वर्ल्ड के जो है ना, वो क्या हालात हो रहे हैं। फिर भी दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि इंडिया जो है ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है इस चीज़ से। लेकिन इसके बाद भी दोस्तों, डे बाय डे जैसे भी दिन गुजर रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि कुछ कमी नहीं आ रही, लेकिन मतलब बढ़ते ही जा रही, सिचुएशंस ख़राब ही होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो गाइस, ऐसी सब सिचुएशंस हैं, और इस सिचुएशन में होता क्या है कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको ऑब्वियसली इसके बारे में फ़ील होता है, मतलब उनको बहुत ख़राब लगता है, और वो ये लोग सोचते हैं मतलब कि यार किसी न किसी तरीके से हम जो प्रॉब्लम हो रही है उसमें लोगों की जो है ना, मदद कर सकें। और जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं दोस्तों, वो हमेशा फ़ायदा उठाने के बारे में सोचते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस किसी न किसी तरीके से इस सिचुएशन का जो है ना, हमको फ़ायदा हो जाए, बस उसके बाद में दुनिया जाए भाड़ में, हमको कोई किसी से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल भी दूंगा तो मास्क देख लीजिए। एक टाइम पे जब ऑब्वियसली मास्क को कोई पूछता नहीं था, और आज जो है ना, वो इतने पॉपुलर हो गए। वहीं पर दोस्तों, सैनिटाइज़र, मतलब जो 50 से 60 रुपए में सैनिटाइज़र मिलता था, आज वो 200 से 250 रुपए में सैनिटाइज़र मिल रहा है। मतलब क्या है, अगर उसका बनाना बनाना सब कुछ वही है, उसका जो एक्सपेंस है सब कुछ वही है। तो गाइस, बस यही फ़र्क होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्क और सैनिटाइज़र्स और मेडिसिन के नाम के ऊपर कोरोना वायरस का नाम लेके मतलब जो अभी ऑनलाइन फ्रॉड्स भी होने लगे हैं। अब दोस्तों, ये खबर जो है ना, डायरेक्टली इंटरपोल से आई है। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको वो लगे कि भाई ये अपनी तरफ से हमेशा बना के बोल रहा है। इंटरपोल से जो है ना दोस्तों, डायरेक्टली खबर आई है कि इतने ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं इसके ऊपर। तो वहाँ से जो है ना दोस्तों, उन्होंने पर्पल नोटिस भी जारी कर दिया। पर्पल नोटिस दोस्तों, वो एक तरीके का नोटिस रहता है जहां पर मैक्सिमम कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पर जाता है, और उसके बाद में उनको कहा जाता है कि भाई इस चीज़ से जो है ना, बिल्कुल एकदम अलर्ट रहा जाए और सावधान रहा जाए। तो गाइज़, यहां पर फ्रॉड किस तरीके से हो रहा है कि जो ऑलरेडी वेबसाइट्स है, जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, और भी जो दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, बिल्कुल जो क्रिमिनल्स हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो बिल्कुल वैसे ही वेबसाइट बना रहे हैं। उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, एकदम माइनर चेंज होगा। वैसे ही फेक वेबसाइट बना रहे हैं, और फेक वेबसाइट बनाने के बाद में वहाँ पर जो है ना दोस्तों, वो लोग प्राइस डाल रहे हैं लाइक मेडिसिन का, मास्क का, सैनिटाइज़र का, एक्सेट्रा। और उस पर जो है ना दोस्तों, अगर आप परचेस करोगे तो ऑब्वियसली आपके पैसे चले गए, आपके पैसे जो है ना, वो वापस नहीं आएंगे। तो इस तरीके से जो है ना दोस्तों, ये फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड कर रहे हैं। मतलब मौका मिलना चाहिए बस कोई ना कोई तरीके से हराम के पैसे कमाने का। और साथ ही में इंटरपोल ने जो है ना, जब इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, तो उनको पता लगा कि जो ये फ्रॉड हो रहा है, मतलब ज़्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो एशियन कंट्रीज़ के विक्टिम हैं। और तो अभी तक इंटरपोल की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि 7,30,000 डॉलर्स का फ्रॉड हो चुका है। मतलब कुछ कंप्लेंट्स जो है ना, वो रजिस्टर हुई है, कुछ कंप्लेंट्स अभी तक रजिस्टर नहीं हुई है। तो ओवरऑल एज अ होल अमाउंट अगर वो लोग बताएंगे, तो वो बोल रहे हैं कि 7,30,000 का फ्रॉड हो चुका है। तो वही है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा, जिस तरीके से ये लोग फ्रॉड करते हैं, मतलब जो एक ओरिजिनल वेबसाइट है उसका पूरा रेप्लिका ये लोग बना देते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर जब आप परचेसिंग करोगे तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट, मेडिसिन या जो भी कुछ है वो नहीं मिलेगा, और उसके बाद में वो पैसे आपके गए। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये बात तो एकदम बेकार सी बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत पहले जो है ना, वो एक केस हुआ था, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं। वो केस एक्चुअली में ये था कि एक बंदे ने देखा कि दिवाली ऑफ़र है, पता नहीं कुछ तो ऑफ़र है, जिसमें उसको आईफोन मिल रहा है सिर्फ 2,300 में या शायद 2,500 में फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो जैसे दोस्तों उसको व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज आया, उसने लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन किया, तो वहाँ पर उसको एक्चुअली में दिखा कि हाँ यार 2,500 का मतलब मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है। तो उसने दोस्तों सबसे पहले वहाँ पर उस प्राइस का स्क्रीनशॉट लिया, ताकि वो फ्लिपकार्ट को बाद में दिखा सके कि भाई मेरे पास में ऑलरेडी ये प्रूफ मौजूद है, मैंने इतने में फ़ोन परचेस किया था। और उसने अपनी बैंक डिटेल्स डालने के बाद में वो फ़ोन को परचेस कर लिया, मतलब उसको ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर दिया। उसके बाद में दोस्तों, जब वो डेस्कटॉप पे गया और अपने आईडी से उसने लॉगिन किया फ्लिपकार्ट पे, तो वहाँ पर उसको कोई भी ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आया आईफोन का। तो जब दोस्तों उसने देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन मुझे आईफोन का नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर उसने गया और उसने देखा सही तरीके से, मतलब उसने पूरा चेक किया जहाँ पर उसने परचेस किया था, तो वहाँ पर उसको फ्लिपकार्ट की स्पेलिंग में एक माइनर मिस्टेक नज़र आई। माइनर मिस्टेक ये थी दोस्तों कि वो फ्लिपकार्ट लिखा हुआ था, लेकिन ये फिलकार्ट लिखा हुआ था। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती है, एकदम माइनर से जो है ना वो डिफरेंस होता है, जिसको ऑब्वियसली आप एकदम सरसरी तौर के ऊपर नहीं देख पाएंगे। तो आपको एकदम डीपली जो है ना दोस्तों देखना पड़ेगा, एक एक वर्ड, एक एक डिटेल को जो है ना आपको वेबसाइट को चेक करना पड़ेगा कि सही में ये लेजिटिमेट वेबसाइट है या नहीं है, और उसी के बाद में दोस्तों आप उसको परचेस कीजिए।
तो गाइस मेरा एक यही वीडियो था, अवेयरनेस का वीडियो था। पूरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और ऑब्वियसली मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मतलब एक अवेयरनेस वाला वीडियो, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर ज़रूर करेंगे सब में। तो जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप शेयर करेंगे जब दूसरे लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो ऑब्वियसली आपकी वजह से जो ना दोस्तों दूसरे लोग भी जो है वो इस चीज़ के ऊपर अलर्ट रहेंगे, सेफ रहेंगे। साथ में दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लेना ताकि कोई भी अपडेट्स आप हमारे चैनल पे से मिस नहीं करें। तो चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।